आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, सी न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जिला अस्पताल में निजी कंपनी के जरिए काम करने वाले सफाई कर्मचारियों का 2-3 महीने का वेतन रुका हुआ है, जिसके चलते सफाई कर्मचारी बेहद परेशान है। कर्मचारियों का कहना है कि वेतन न मिलने के चलते उनके साथ उनका परिवार भी सफर कर रहा है। जिला अस्पताल में जिन कर्मचारियों को आप देख रहे हैं, वह इसी अस्पताल के सफाई कर्मचारी हैं। ये वह कर्मचारी हैं जो अस्पताल की हर तरह की गंदगी को साफ करते हैं, तभी ताजनगरी का यह जिला अस्पताल चमचमाता हुआ नजर आता है। लेकिन आज इन सफाई कर्मचारियों की आंखें नम हैं और जुबा खामोश, क्योंकि बीते 2-3 महीनों से वेतन न मिलने के चलते आज यह अपने परिवार के साथ सफर कर रहे हैं। आज इनका परिवार रोटी तक के लिए मोहताज हो गया है। सफाई कर्मचारियों का कहना है कि उन्होंने अपनी पीड़ा को अपने सुपरवाइजर के साथ अस्पताल के आला अधिकारियों को भी अवगत कराया है। वहीं आला अधिकारियों ने भी मामले का संज्ञान लेते हुए संबंधित एजेंसी से संपर्क साधा है। बावजूद इसके, जिस एजेंसी के माध्यम से ये सफाई कर्मी काम कर रहे हैं, वह इन सफाई कर्मियों की ओर ज्यादा ध्यान नहीं दे रही है। वेतन हमें जो पहले वाली कंपनी थी सन फैसिलिटी, उसका हमारा 12 महीने रुका हुआ है और इसका हमारा रुका हुआ अप्रैल मई का रुका हुआ है। कितने महीने से वेतन नहीं मिला? अब ये 3 महीने लग गया। उस पर आता था 6,300, इस पे आता है 6,600। सर, हमें पीएफ के बारे में कुछ नहीं पता अभी। सफाई कर्मचारियों का कहना है कि एक तो उन्हें एजेंसी में समय से वेतन प्राप्त नहीं होता, साथ ही वेतन कार्य के अनुरूप बहुत कम दिया जाता है। सफाई कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें 8 घंटे की ड्यूटी के एवरेज में उन्हें 6,500 के आसपास वेतन भुगतान किया जाता है, लेकिन पीएफ और ईएसआईसी के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं दी जाती है और न ही एजेंसी की ओर से उन्हें कोई पे स्लिप उपलब्ध कराई जाती है। ऐसे में इतने छोटे वेतन में वह अपना और अपने परिवार का गुजारा कैसे कर सकते हैं? कंपनी का जो वेतन था वो दिसंबर के महीने का नहीं दिया इन्होंने, और इसमें क्या कहते हैं अप्रैल का और मई का 3रा महीना लग गया। हाँ, ऐसा ही सर से कहा था हमने, उन्होंने कहा था कि आ जाएगा वेतन आपका, काम करो आप लोग। अब सर 2 महीने से इनको वेतन नहीं मिला है और जो सैलरी है 6,600 रुपये कंपनी से मिल रही है, जिसमें इनका पीएफ का कुछ पता नहीं है, कितना कट रहा है नहीं कट रहा है क्या है कुछ पता नहीं है। सैलरी स्लिप की कई बार मांग करी गई, वह सैलरी स्लिप नहीं दी गई। मामले पर जिला अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर अशोक अग्रवाल का कहना है कि सफाई कर्मचारियों के माध्यम से यह मामला उनके संज्ञान में आया है और मामला संज्ञान में आने के साथ ही उन्होंने संबंधित एजेंसी से संपर्क साधा है, लेकिन बजट के अभाव में कहीं न कहीं कर्मचारियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उनके माध्यम से प्रयास किया जा रहा है कि सफाई कर्मचारियों का वेतन उन्हें समय से उपलब्ध कराया जा सके। ऑल ग्लोबल कंपनी है सर, लखनऊ बेस्ड है, इनकी तरफ से मिलता है इनको वेतन। उनका ये कहना है कि एनएचएम में जो बजट आएगा तो हम उनको सप्लाई देते हैं पेमेंट, बजट ही नहीं आया तो दे नहीं पाए। पिछले महीने गैस सुन करके हमने दिलवाया था तो पिछले महीने की सैलरी तो उन्होंने दे दी थी, इस महीने बजट नहीं आया इसलिए रुकी पड़ी है। कुछ को डायरेक्ट एनएचएम से मिलता है, वो भी रुका पड़ा है। कंपनी ये कह रही थी कि हमें आप फंड देंगे तभी तो देंगे, हमने कहा भी इससे फंड से मतलब नहीं है, आपको सैलरी टाइम से देनी चाहिए। इस पे उन्होंने दे दी थी पिछले महीने की, इस बार भी हाँ कर रहे हैं लेकिन आज तक नहीं आ पाई है सर। बता दें कि ताजनगरी का जिला अस्पताल आज की तारीख में किसी आदर्श जिला अस्पताल से कम नहीं है। प्रतिदिन हजारों की संख्या में मरीज चिकित्सकों से परामर्श लेने के लिए पहुंचते हैं, ऐसे में जिला अस्पताल की सफाई व्यवस्था इन्हीं कर्मचारियों के हाथों में है। लेकिन यह सफाई कर्मचारी कब तक वेतन का इंतजार कर यहां पर सफाई कार्य करते रहेंगे? सी न्यूज के लिए अनिल कुमार सिंह की रिपोर्ट।